अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लाइव ट्यूब में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया का नाम सुनकर आपके जहन में बड़े बड़े होटल्स, पार्क्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स आते होंगे, यानी आप सोचते होंगे कि वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत लग्जरी होती होगी। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कुछ इस तरह के काम दिखाएंगे जो सऊदी अरेबिया में सख्ती से मना है, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको भारी जुर्माना या कैद और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मगर इससे पहले कि हम वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल लाइक यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको बरवक्त पहुंच सके। दोस्तों, सऊदी अरेबिया में शराब बहुत सख्ती से मना है और खिलाफ वर्जी करने पर आपको भारी जुर्माना और कैद दोनों हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, याद रहे कि ये रूल सिर्फ नशा करने वालों के लिए है, वरना अगर आप कोई भी नशावर चीज़ को बिना लाइसेंस बेचते हुए पकड़े गए तो आपको सजाए मौत या फिर उम्र कैद हो सकती है। सऊदी अरेबिया में वैलेंटाइन डे मनाना सख्ती से मना है, क्योंकि इनके मुताबिक ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है। इस पर साल 2008 में मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद वहाँ शॉप्स या मॉल्स में वैलेंटाइन डे के टोकन रखना भी मना है। दोस्तों, डबिंग डांस जो कि 2017 में मशहूर हुआ था, ये डांस भी सऊदी अरेबिया में मना है। इसे वो रिलीजियसली अच्छा नहीं मानते। सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन ने इस पर बाकायदा तौर पर तब मुकम्मल पाबंदी लगाई जब एक टीवी होस्ट ने ऐसा स्टाइल किया था। वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में म्यूजिक पर मुकम्मल पाबंदी है, यानी आप किसी भी पब्लिक प्लेस में लाउड साउंड के साथ म्यूजिक को नहीं सुन सकते। दोस्तों, ये रूल पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी नरमी आ रही है। लेकिन ये याद रहे कि अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में लाउड म्यूजिक को सुन रहे हैं तो आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि वो टाइम अजान का या नमाज का नहीं है, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सऊदी अरेबिया में शॉर्ट्स पहनने पर मुकम्मल पाबंदी है, नो मैटर्स के आप मर्द हैं या औरत, ये रूल्स दोनों के लिए है। दोस्तों, ये रूल्स बच्चों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, जबकि बाकी एडल्ट्स, यंग्स और ओल्ड सब पर लागू है। ये रूल्स पहले तो फॉरेनर्स के लिए भी हुआ करता था, लेकिन अब इन्हें इस मामले में थोड़ा सा फ्री हैंड दिया है। अगर आप वहाँ के अपने शहरी नहीं हैं तो आप वहां हर जगह पर तस्वीर भी नहीं खींच सकते, ना तो आप वहां किसी सरकारी बिल्डिंग्स, पैलेस और इवन वहां के शहरी का भी आप फोटो नहीं खींच सकते। अगर आपने ये गलती की तो आपको $266 तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो कि एक स्ट्रिक्ट इस्लामी कंट्री है और वहां के लॉज और रूल सारे तकरीबन इस्लामी कवानीन के मुताबिक हैं, इस मुल्क में एडल्ट कॉन्टेंट यानी पोर्न वीडियोस देखना सख्ती से मना है। यहाँ पर इस तरह के तमाम एडल्ट्री वेबसाइट ब्लॉग्स तो है ही, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क से सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो कस्टम ऑफिशियल एयरपोर्ट पर आपका मोबाइल खास तौर पर चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई ऐसी वीडियो ना हो। दोस्तों, बात हो रही थी एडल्ट कॉन्टेंट के बारे में, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप पब्लिक प्लेसेस में अपने पार्टनर के साथ सोशल रिलेशन नहीं रख सकते, यानी उसको किस वगैरह नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ अननोन और हिडन फैक्ट्स, जिससे शायद ज्यादातर लोग ना वाकिफ होंगे। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लाइव ट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।